नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इमरेस D10 के आज के दिन के पहले मुकाबले की सीरीज का। दोस्तों ये 29वां मुकाबला है जो खेला जाएगा टीम इमरेट्स रेड वर्सेस टीम अबू धाबी के बीच में। तो वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी स्मॉल की टीम क्रिएट कर रहे हो ना, तो उसमें आपको कौन से प्लेयर्स पिक करने चाहिए, कौन से प्लेयर्स आपको अपनी ग्रैंड की टीम में पिक करने हैं और कौन से प्लेयर्स को आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना है। तो आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करना है, पूरा देखना है अगर आप इस मुकाबले में विन करना चाहते हो। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइन एबियर टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, वो मिलेगी सिर्फ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अभी के समय दोस्तों 15,700 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन है और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े, फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये दोनों ही टीम्स हैं ना, अपना लास्ट मैच एक दूसरे के अगेंस्ट खेल कर आई हैं, जहां पे इमरेट्स की टीम ने दुबई की टीम को 27 रनों से हरा दिया था। और अगर मैं बात करूं टीम अबू धाबी की, तो ये अपना लास्ट मैच हार कर आए हैं, जीत कर आए हैं 7 विकेट से। तो यहाँ पर इमरेट्स की टीम भी लास्ट मैच अपना विन की है और अबू धाबी की टीम भी अपना लास्ट मैच विन करके आई है। तो कीपिंग की अगर मैं बात करूं, तो पहला नाम निकल के आता है कामरान आता का। कामरान आता की बात की जाए, अपनी टीम के लिए ओपन करेंगे, साथ में आपको अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। लास्ट मैच में 9 रन बनाकर आए हैं, इस मैच में भी अच्छा कर सकते हैं, तो आप यहां से इनको ट्राई कर सकते हो। दूसरा नाम दोस्तों इन्हीं की टीम से आता है महमूद का, जो कि लास्ट मैच में प्ले नहीं किए थे। इमरेट्स रेड की अगर मैं बात करूँ, तो पहला नाम तो निकल के आता है बाटी का, जिनका भाई बैटिंग ऑर्डर जो है काफ़ी नीचे है, तो इनको ट्राई करना रिस्की है। इफ्तारी भी नीचे बैटिंग कर रहे हैं, तो इनको भी पिक करना रिस्की। तो एकमात्र विकेट कीपर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ से कामरान आता है, तो हम दोस्तों इनको ही अपनी टीम में पिक करेंगे। बैटिंग की बात करते हैं, पहला नाम आता है आबिद का। आबिद की बात की जाए, एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं, लास्ट मैच में अपनी टीम के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, बल्ले से दोस्तों शानदार 35 रन बनाते हैं। गेंदबाजी की मैं बात करूँ, तो लास्ट मैच में गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन किसी भी मैच में 1 या 2 ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा नाम आता है ए मुक्तदर का। अगर मैं इनकी बात करूं, तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो रहने वाला है, नंबर 4 पर अपनी टीम के लिए बैटिंग करने आएंगे, लास्ट मैच में सिर्फ 10 रन ही बनाए थे, तो अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तब आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट रही है। दूसरा नाम यू बाचा का, इनका भी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, तो इनको भी मैं ट्राई नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टीम EMR की, तो इनकी ओर से दोस्तों पहला नाम आपके सामने आता है यू दोजर की बात की जाए, तो भाई मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटिंग कर रहे हैं, साथ में अगर लास्ट मैच की बॉलिंग की बात की जाए, तो लास्ट मैच में 2 ओवर की स्पेल में 4 विकेट अपनी टीम के लिए निकालें, तो इस मैच में भी अच्छा कर सकते हैं, तो मैं यहां से इनको ट्राई करूंगा। दूसरा नाम दोस्तों ये फर्नांडिस का था, जो कि आपको ओपन करते हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन लास्ट के मैच में अगर बात करूं, तो बल्ले से इन्होंने 48 रन की इनिंग खेली हुई थी, तो आप चाहो तो इन पर रिस्क ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। दूसरा नाम आता है इरफान का, जो कि लास्ट मैच में बल्ले से तो फ्लॉप रहते हैं, लेकिन गेंदबाजी से इन्होंने विकेट निकाला था, तो मैं यहाँ से इनको पिक करूँगा। इसके बाद आपके सामने बादामी आते हैं, जिन्होंने लास्ट मैच में विकेट निकाला, तो मैं यहाँ से इनको पिक करूँगा। तो बैटिंग सेक्शन से देखा जाए, 4 ऐसे बैट्समैन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ से आबिद, दोजर, इरफान और यहाँ से बादामी। बाकी ए फर्नांडिस पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है। बाकी मुक्तदर का बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो मैं इनको ट्राई नहीं करूँगा। ऑलआउट सेक्शन की बात करते हैं, तो भाई पहला नाम आता है अबू धाबी की ओर से गोपाल कृष्ण का। गोपाल कृष्ण की अगर बात की जाए, तो लास्ट मैच में इन्होंने अपनी टीम के लिए बॉलिंग की है, 1 विकेट निकाला है, तो आप यहाँ से इनको ट्राई करोगे। सही सवाद यहाँ से इंपॉर्टेंट रही है। इसके अलावा जब आप नीचे की ओर आओगे, तो आपके सामने यहाँ पे हसन शाह हैं, जो कि कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ पे जेड अली की मैं बात करूँ, तो लास्ट मैच में इन्होंने विकेट निकाला है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इमरेट्स रेड की, तो इनकी ओर से भाई बरेकन शॉ ने लास्ट मैच में 1 ओवर का स्पेल किया था, तो आप इनको ट्राई करोगे। बाकी इनकी ओर से देखा जाए, तो शहादत वगैरह कोई भी इतना कुछ खास नहीं है, हैदर भी लास्ट मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। तो ऑलराउंडर सेक्शन से जो 3 ऑलराउंडर्स इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ से गोपाल कृष्णा है, ब्रेकन शॉ है और यहाँ से दोस्तों जेड अली जूनियर है।
बॉलिंग की बात करते हैं तो कयानी की बात करें तो लास्ट मैच में दो ओवर की स्पेल किए पर कोई भी विकेट इनको नहीं मिला है। आसिफ ने अच्छी गेंदबाजी की है तो मैं आसिफ को ट्राई करूंगा। इसके अलावा कोई भी बॉलर इतना कुछ खास नहीं। एमरेट्स रेड की ओर से, अबू धाबी की ओर से मैं बात करूं तो जुबैर की, लास्ट मैच में जुबैर ने विकेट निकाला, इनको भी करेंगे। आकिफुल्ला को ट्राई कर सकते हो, लास्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी की है। बाकी मोहसिन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग की और विकेट भी दो निकाले हैं, तो अगर आप मोहसिन को ट्राई करना चाहते हो तो किसी एक प्लेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो बदामी को ड्रॉप करके इनको ट्राई कर सकते हो। तो हमारी टीम जो है वो दोस्तों यहाँ पर रेडी हो चुकी है। जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, जो भी ट्रम्प प्लेयर थे भाई, हमने उनको पिक कर लिया है। 7 खिलाड़ी मैंने अबू धाबी के लिए हैं, 4 खिलाड़ी मैंने यहाँ पे EMR के लिए हैं। बात करते हैं भाई अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किसको बनाना है। कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप बेरेकन शॉ को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। बाकी मेरा कैप्टन इरफान रहेंगे, वाइस कैप्टन मेरे बेरेकन शॉ रहेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से भी कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हो। अली आबिद भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो टीम हमारी रेडी है, इसको सेव करते हैं, एक बार आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। सेम टीम से दोस्तों आपको स्मॉल लीग ज्वाइन करनी है, सेम टीम से आपको दोस्तों ग्रैंड लीग ज्वाइन करनी है, तो एक बार आप टीम का प्रीव्यू देख लें। जो भी चेंज करना चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, वो मिलेगी आपको सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय दोस्तों 1500 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन है और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पे सबसे पहले नंबर में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें, घंटा दबाएँ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।